मैं बहुत ज़्यादा खुशखबरी लेकर आई हूँ। शोर शराबा बहुत हो रहा है, सो गाइस मैं इसलिए इतना खुश हूँ क्योंकि मुझे एक मिल चुका है स्टैंड, एक रिंग लाइट मिल चुकी है मुझे। और ओ माय गॉड, लेकिन वो अमेज़ॉन से मैंने मंगवाई तो सैनिटाइज करने के लिए है और 2 दिन वो क्वारंटीन रहेगी, तो फिर मैं उसको ओपन करूँगी एंड देन फिर मैं उसमें वीडियोस बनाऊँगी। आई कांट वेट। मेरे पापा ने मुझे दिया है, मैंने तो उनको बस मजाक किया था कि ये मुझे चाहिए, उन्होंने मुझे असली में दे दिया। ओएमजी, आई एम सो हैप्पी। एंड तो आज मैं करने जा रही हूँ नानी हाउस डॉल कलेक्शन। मतलब इसका मतलब है कि जो नानी हाउस में मेरी डॉल्स हैं उनकी एक्सेसरीज और क्या क्या है मेरे पास, तो उसका मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सो मेरे पास आने घर में सिर्फ 3 डॉल्स है, पर एक्सेसरीज का अगर आप पूछो तो ओ माय गॉड इतनी सारी एक्सेसरीज हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं उसको अपने घर लेकर जाऊँगी क्योंकि मेरे घर में एक बहुत बड़ा डॉल हाउस है। मैं उसका टूर करूँगी, पार्ट वन ही करूँगी क्योंकि नहीं, मतलब पार्ट टू ही करूँगी तो उसका, मैं जब घर जाऊँगी। अच्छे अभी मैं अपनी नानी घर जाऊँगी। तो ये मेरी सारी डॉल्स हैं, यू कैन सी ऑल ऑफ देम। और इनकी एक्सेसरीज में सारी निकाल देती हूँ। आप सोच रहे होंगे सिजर्स किस काम की हैं, तो गाइस मैं आपको बताऊंगी बाद में ये सिजर्स किस काम की है, भाई क्यों काम की हैं। तो मैं ज़रा इन सबको इसके अंदर रख दूँ, तो ज़रा सा सबर कर लेते हैं हम सब। ज़रा एक मिनट रुके गाइस, मैं ज़रा सेट फिट करके आपसे मिलती हूँ। सो गाइस मैंने एसेसरीज वाइंड अप कर ली हैं, सो ये सारी मेरी एसेसरीज हैं मेरी डॉल्स की। और बड़ा और भी चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखा दूँगी, कोई नहीं डोंट वरी। सो गाइस सबसे पहली डॉल का नाम है, एक सेकेंड। सो गाइस अब मैं आपको मेरी फर्स्ट डॉल से मिलवाने जा रही हूँ। So, देखो कौन आया, डॉल है मेरा। गाइस दादी झूठ बोल रहा है, लेकिन ये दोनों डॉल, ये वाली डॉल आदि ने दिया और वन मोर डॉल आदि ने दी है, तो इसलिए आदि आया है वो दो डॉल की अनबॉक्सिंग देखने के लिए। मैंने दिया आपने, मैं लेते आया हूँ। हाँ ये लेकर आया है। सो गाइस ये मेरी डॉल है, इसका नाम रिपुंजल रखा है क्योंकि इसके बाल मेरी डॉल हाँ, तो ये आदि की डॉल जो आदि ने मुझे दी है। एंड इसके बाल इतने लंबे हैं, मतलब सी सो नाइस, और मेरी फेवरेट डॉल है। और इसका मैं आपको फीचर बताती हूँ गाइस। आपको बेसिकली पता है कि दूसरी डॉल में ऐसे होता है, पर इस डॉल में यहाँ पे एक जगह है जहाँ से आप कपड़े घुसा सकते हो। और इसकी एक्सेसरीज मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ जी, वेरी नाइस, अब आप खेलो। सो गाइस ये इसका एक कपड़ा है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके साथ ये टूल मिला हुआ है घुसाने के लिए, क्योंकि हाथ से तो देखो भाई घुस नहीं सकता, तो ये भी समझदार है, टूल दिया है इन्होंने। तो अब हम इसको फोल्ड करेंगे और अब हम इसको यहाँ पे फिट करेंगे, ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे, और यहाँ पे अब हम अपन इसको हम इसको फिट करेंगे अच्छे से, फिट हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये फिट हो चुका है एक। अब दूसरा वाला हम फिट करते हैं, दूसरे वाला ये वाला। एंड गाइस पापा मेरे लिए वो रिंग लाइट लाए हैं जिसकी मैं अभी बात कर रही थी, देख सकते हैं आप गाइस इसका टॉप है। अब इसकी फ्रॉक हम ग्लिटरिश बनाएंगे। क्या लाना है? तो जाओ ना, आप ही चलो। मैं क्यों चलूं? गाइस एक्चुअली आदि को अंधेरे से डर लगता है और बाहर अंधेरा हो रहा है। एक्चुअली ड्राइंग रूम है, फिर एक उसके अंदर मेरा कमरा और ये है मेरा कमरा और आदि का कमरा, तो इसलिए आदि को मैं लेकर आई थी। सो गाइस अभी हम लोग अब इसको टकिंग करेंगे
तो आदि को छोड़ के आती हूँ, फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। चलो आदि, लेट्स गो। एक बार आप इसको देख लीजिए, इस डॉल को। सो एक सेकंड। सो गाइस, ये मैंने इसको अच्छे से टक इन किया, और ये मैंने इसकी ड्रेस एकदम एक कपड़े से बनाई है और यहाँ पे अटैच किया है। एंड गाइस, इसमें ये भी एक एक्सेसरी है, ये एक वो है, क्या कहते हैं, एक और कपड़ा है जिसको हम अटैच करते हैं। ये मेरा फेवरेट कपड़ा है क्योंकि ये रेनबोइश है और स्ट्रेची, और ये बहुत क्यूट कपड़ा है। और इसका मैं मास्क भी बना सकती हूँ, आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे अगर आप दो वो स्टिक कर दोगे तो ये मास्क बन सकता है क्योंकि ये स्ट्रेच हो सकता है। आपको दिखाती हूँ, रुको, ये देखो स्ट्रेच हो रहा है, पर मैं इसको ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर रही क्योंकि फिर मेरी डॉल्स को मुश्किल होगी। तो ये मास्क भी बन सकता है। सो ये इसके एक्सेसरी है, ये एक्सेसरी है, एक तो एक ये है, ये बहुत स्ट्रेची है और बहुत क्यूट है, और एक ये एक टूल है। एंड इसका और भी सामान अगर मिलेगा तो फिर देखना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, इसके ये मार्कर है और इसमें हम लोग कलरिंग कर सकते हैं। बहुत सारे मार्कर्स हैं, ये येलो है, ये है, चेक करना पड़ेगा अभी, तो मैं उधेलूँगी तो मम्मा मुझे डांटेंगी, तो इसलिए मैं चेक करूँगी, अगर मिलेगा तो बताऊँगी। सो ये मेरी फेवरेट डॉल है और मैं इसको अपने हाउस लेकर जाऊँगी। सो मैं इसको लेटा आ रही हूँ यहाँ पर। इसका नाम रैपुंज़ल है। टनननन, देखो कौन आया। इसका नाम पूजा है क्योंकि ये मेरी एकदम मम्मी जैसी दिखती है, मेरी मम्मी की शक्ल भी ऐसी ही है, सेम मम्मी जैसी दिखती है, तो इसका नाम मैंने पूजा रखा। और सेम मम्मी जितने बाल, सेम मतलब हेयर कलर सेम नहीं है, मम्मा का ब्लैक है पर इसका गोल्डन है। और इसके साथ ये मिला है, इसके साथ बहुत एक्सेसरीज मिली हैं, इसके साथ ये कोम मिला है जिससे हम इसके बाल कोम कर सकते हैं। एंड गाइस, जब से आई मैंने इसके कपड़े चेंज नहीं किए क्योंकि ये बहुत क्यूट है। और इसकी ये एक्सेसरी है, तो ये एक्सेसरीज है, कुछ खाने का सामान है, ये एक्सेसरी है, और ये भी एक्सेसरी है, ये मार्कर उसका ही है डॉल का, ये उसका है, उसका है, ये भी इसकी एक्सेसरी है। पता नहीं इतनी अजीब अजीब एक्सेसरीज है लेकिन बहुत प्यारी है। एंड गाइज, आई वाज जस्ट फॉरगॉट टू टेल यू दैट कि ये एक्सेसरी इसकी है, ये देख सकते हैं आप कितनी प्यारी एक्सेसरी है ये। सो एंड इसका नाम, सो अब ये मेरी फेवरेट डॉल है क्योंकि मुझे मेरी मासी ने दी है। और इसका एक तो ये स्लिंग बैग है, और स्लिंगी बैग है, और एक और बैग है शायद, और ये भी है इसका एक बूट है, बूट और भी है, ये रहा एक और, ये भी इसकी यहाँ से ऐसे होगा, बहुत प्यारा है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मेरी वीडियो आए आप लोगों को सबसे पहले पता चले। ओके, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।